नमस्ते, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। बदायूं से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली सूची, जाने बदायूं लोकसभा सीट का समीकरण। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बदायूं से 2024 लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। धर्मेंद्र यादव होंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बदायूं लोकसभा सीट पर 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी संगमित्रा मौर्या जी को 5,11,352 वोट मिले थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को 4,92,898 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सलीम इकबाल शेरवानी जी को मिले थे 51,947 वोट। वहीं नोटा को मिले थे 8,606 वोट। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी 18,454 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन है। अगर दोनों पार्टी का वोट जोड़ दिया जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी जीत हासिल करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव जी बीजेपी पार्टी में कांटे की टक्कर होने वाली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से कौन जीतेगा।